हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑन टू एंड वन टू वन मैपिंग एंड मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर मैपिंग। तो सबसे पहले हम ऑन टू मैपिंग देखते हैं। ऑन टू मैपिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डेफिनेशन होती है अ वेक्टर मैपिंग, टी जो है वो आर एन टू आर एम इज सेड टू बी ऑन टू इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू आर एम। अगर ईच बी बिलोंग्स टू आर एम, देयर इज एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू आर एम सच दैट टी एक्स बराबर बी। यानी कि एक मैपिंग जो ऑन टू मैपिंग होगी, तो सपोज कि ये है हमारे पास यहाँ से आर एन से आर एम में डिफाइन फंक्शन है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज कि यहाँ पे 1 2 3 ये सारे बीज हैं, सब बी वन बी टू इस तरह से ले लेते हैं, तो हर बी के लिए एक ना एक एक्स इधर मिल जाना चाहिए, चाहे वो कॉमन एक्स हो या कॉम अलग अलग एक्स हो। तो अगर ऐसे हमारे पास इस तरह हर बी के लिए हर रेंज जो रेंज ऑफ टी है इसके लिए कुछ ना कुछ एक हमारे पास इस तरह से अगर बी एक्स मिल जाता है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, अगर सेकंड डेफिनेशन लेट टी ए बिलोंग जो आर एन टू आर एम बी ए मैट्रिक्स मैपिंग, ये मैपिंग है टी ए एक्स बराबर ए एक्स वेयर ए जो है बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन, देन टी ए इज ऑन टू, टी ए ऑन टू कहलाइए इफ एंड ओनली इफ द कॉलम ऑफ ए स्पेन ऑल ऑफ आर एम। यानी इसी जो कॉलम्स होंगे, यानी कि दूसरी सेकंड डेफिनेशन इसी की सेकंड डेफिनेशन है, जो कि हमें कॉलम ऑफ जो ये थे यानी वी वन एक्स वन प्लस बेसिकली स्पेन ऑफ आर एम जो है एक्स टू वी टू। अब बेसिकली जो अगर टी के जो कॉलम्स हैं वो होंगे वी वन वी टू वी डॉट डॉट डॉट, और ये सारे जो हैं वो बी बिलोंग्स टू स्पेन, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। यानी यही हमारे पास पहले ही पढ़ा था कि ए एक्स बराबर बी, जो इस कंडीशन में ए एक्स बराबर बी जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है। अब बी बिलोंग्स टू बी जो है बेसिकली यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं बी जो है यही होना चाहिए इसके रेंज में। तो यहाँ से हम बी के लिए ए एक्स बराबर बी का एक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं। सेकेंड थर्ड है हमारे पास थर्ड डेफिनेशन जो कि सिमिलरली इस तरह से लेट टी ए जो है आर एन टू आर एम बी ए मैट्रिक्स मैपिंग टी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ पे ए जो है बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन, देन टी इज ऑन टू, टी ए जो है ऑन टू इफ एंड ओनली इफ आर बराबर रैंक ए बराबर एम, जो इसकी रैंक है वो एम के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो टी ए जो है वो ऑन टू कहलाता है। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है उसका, सॉरी ए मैट्रिक्स जो है उसका एक ना एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो ऑन ऑन टू मैपिंग है। अब ऐसे की एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसको चेक करते हैं। लेट टी जो है आर क्यू टू आर क्यू बी ए मैट्रिक्स विद करस्पोंडिंग मैट्रिक्स, जो है करस्पोंडिंग मैट्रिक्स क्या है उसका, ये है ए बराबर ये है, इज टी ए इज ऑन टू। अभी टी ए जो है वो ऑन टू है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है हमारे पास, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है। और देख, ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसको हमने चेंज किया और यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो गया रो ऑपरेशन की हेल्प से। देयरफॉर रैंक ए बराबर 3, द डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इज एम बराबर 3। तो डायमेंशन जो है वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड डायमेंशन जो थे 3, एंड देयरफॉर टी ए इज ऑन टू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी ए जो है वो ऑन टू है। देयरफॉर द कॉलम ऑफ ए स्पेन ऑल ऑफ आर क्यू, यानी कोई भी हमारे पास आर क्यू का कोई सेट होगा उसके लिए ये इसको स्पेन कर देगा। देयरफॉर इफ एवरी बी बिलोंग्स फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू आर क्यू इट कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि इन जो वेक्टर है ये वेक्टर और ये वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसको हम दूसरे साइड पे कहें तो हम ये भी कह सकते हैं स्पेन ऑफ 100001 एंड 010 इनके स्पेन के रूप में। तो ये बेसिकली ये स्पेन जो है ये कोई भी अगर हमारे पास इस तरह का तीनों मैट्रिक्स आ जाए, इनको हम कई बार ई वन ई टू ई थ्री से भी डिनोट करते हैं, इसको ई वन
इसको ई टू एंड इसको ई थ्री। तो ये हमारे पास अगर यूनिट यूनिटरी बन जाता है तो उस कंडीशन में वो हर जैसे सपोज की ई वन ई टू डॉट डॉट ई एन है, तो ये हमारे हमेशा आर एन को स्पेन करेंगे। तो इस कंडीशन में आर एन बी बिलोंग्स टू आर एन जो होगा वो स्पेन होगा इससे, और वो ऑन टू मैपिंग होगी। अब जैसे एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, लेट टी ए जो है वो आर फोर टू आर क्यूब बी एम मैट्रिक्स मैपिंग विद करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये है, देन टी ए ऑन टू, तो ये हमारे पास चेक करना है। अगर यहाँ पे देखें तो ए बराबर ये आ गया 1 -2 2, ये आ गया, तो इसको हमने चेंज किया तो ये आ गया 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 -1 0 0 and 0 2 0। बेसिकली रैंक जो है वो 2, और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इज, डायमेंशन जो थी वो थी हमारे पास 3, इज एम बराबर 3, क्योंकि एम क्रॉस एन अगर देखें तो ये 3 था डायमेंशन, देयरफॉर टी ए इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब है टी ए जो है वो नॉट ऑन टू नहीं है, यानी कोई ना कोई मैट्रिक्स इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम चेक करें कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है इस तरह से, तो कोई भी मैट्रिक्स सपोज कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 1, एक सॉरी एक वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर जो है वो इससे डिफाइन नहीं होगा, इससे क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्पेन नहीं करेगा इस मैट्रिक्स को। तो स्पेन वी वन वी टू वी थ्री इक्वल टू स्पेन वी वन वी टू, इसलिए वी वन वी टू को स्पेन कर पाएगा, ये इस वाले को स्पेन नहीं कर पाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू आर क्यू, तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स मैपिंग है ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। अब मैंने ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, 001 को हमने इस तरीके से पुट कर दिया, तो 001 को पुट करने का रीजन था हमारे पास क्योंकि ये और ये दोनों जो है वो बी वन और बी टू को तो स्पेन कर रहे हैं, यानी कि ई वन और ई टू तो है, तो बट ई वन और ई टू जो है ई थ्री को स्पेन कभी नहीं करता, तो ई वन ई टू डज नॉट स्पेन ई थ्री। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि अगर हम यहाँ चेक करना भी चाहें तो सपोज कि 001 इक्वल टू एक्स वन और जीरो सॉरी 1 0 0 प्लस X2 0 1 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 001 बराबर X1 X2 एंड 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमने इस बेसिस पर हमने कह दिया कि ये इसको मैं स्पेन नहीं करेगा, इसको क्रिएट नहीं कर सकता, इसके लिए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक थ्योरम है, सपोज दैट टी ए जो है वो आर एन टू आर एम बी एम मैट्रिक्स मैपिंग करस्पॉन्डिंग टू ए एम क्रॉस एन, देन टी ए इज ऑन टू, देन इफ टी ए जो है ऑन टू है तो उस कंडीशन में जो है एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। और इसका प्रूफ भी हम यहाँ से देख सकते हैं, इफ टी ए इज ऑन टू देन रेफ रैंक ऑफ ए आर बराबर एम लीडिंग वंस, दियर फोर ए हैज एटलीस्ट एम कॉलम, तो ए के जो है एटलीस्ट एम कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज एन, दियर फोर एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। ये हमारे पास एक कोरोलरी है, एफ टी ए जो है वो आर एन टू आर एम इज अ मैट्रिक्स मैपिंग करस्पॉन्डिंग टू ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन एंड एन लेस देन एम है, देन एन जो है वो लेस देन एम है, देन उस कंडीशन में टी ए जो है वो ऑन टू नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एन जो है कम है तो हमारे पास कोई ना कोई एक वेक्टर ऐसा मिल जाएगा जिसको उसके वेक्टर जो होंगे ए के वेक्टर जो होंगे वो कॉलम जो होंगे ए के कॉलम वो स्पेन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर एम क्रॉस एन और एन ही कम है उसमें, तो उस कंडीशन में सपोज 1 0 0 0 1 0 इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये 0 0 1 को तो कभी मैप करेगा ही नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस फॉर्म, अगर 3 है तभी हम इसको कम से कम इस फॉर्म में ले जा सकते हैं कि जहाँ इस तरह से हर किसी में वो एक यूनिट बैट मिल जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एन जो है अगर वो कम है तो उस कंडीशन में टी जो है कभी ऑन टू होगा ही नहीं। नीचे का एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हो यहाँ से, इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इसको हम 1 0 0 0 1 0 के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, और वो कि 001 को मैप नहीं करेगा।